तो दोस्तों आज की वीडियो में हमारे पास है एक मच्छर भगाने वाली मशीन। अलर्ट भी कहा जाता है, मैक्सो की भी आती है, गुड नाइट की भी आती है, कई अलग अलग कंपनियों की आती है। लेकिन आज की वीडियो में हम इसके साथ कुछ डिफरेंट चीज करना चाहते हैं, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा। जी हाँ, अगर आपको सपोज करो ऐसी कंडीशन को हो जाए कि घर पे बिजली नहीं है, इन्वर्टर नहीं है, या फिर कोई भी ऐसा साधन नहीं है जिससे आप इसको चला सके, तो इसको किस तरह से चला, क्योंकि जब बिजली नहीं होगी तो जाहिर सी बात है आपको मच्छर काटेंगे और पंखा वगैरह जो फैन वगैरह वो भी नहीं चलेगा, एसी वगैरह भी नहीं चलेगा। तो उस कंडीशन के लिए जो ये रिफिल है इसको कैसे वर्क करा सकते हैं, तो सबसे पहले हमें इसका मैकेनिज्म समझना पड़ेगा उस चीज को कंप्लीट करने के लिए। तो इसका सिंपल सा मैकेनिज्म है, यहाँ पे एक कॉइल लगी हुई है अंदर की साइड में, आपको थोड़ा सा दिखाई दे रहा हूँ, मैं इसको खराब नहीं करना चाहता वरना आपको खोल के भी दिखा देता। वैसे भी इंटरनेट पर काफी सारे वीडियो पड़े हैं इसको खोलने के। तो वो कॉइल क्या, जैसे इसके अंदर करंट पास होता है तो वो गर्म होती है, और गर्म होने के साथ साथ ही ये जो इसकी यहाँ पे ये रॉड है, ये उसकी ग्रेफाइट की, तो ये गर्म होने के साथ साथ ही इसके अंदर से इसको निकालती है। ये इस तरह की रॉड होती है जो लिक्विड है इसको अपने अंदर लेती है, और जैसे ही गर्म होती है तो जो लिक्विड है ये भाप बन के वाष्प बन के उड़ने लगता है हीट के कारण। तो यही इसका मैकेनिज्म होता है। तो इसको करने के लिए हम लाते हैं एक लाइटर। तो दोस्तों यहाँ पे पहले मैं आपको इसको सिंपली दिखा देता हूँ। तो जैसे हम इसको हीट देते हैं बाहर से, तो ये यहाँ से इसका स्मोक निकलने लगेगा, थोड़ी देर लगेगी इसमें, थोड़ा सा टाइम लगता है, ये थोड़ा थोड़ा निकलने लगा, मुझे दिखाई देगा कैमरे में, शायद दिखाई दे रहा हो या नहीं, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा ये ऊपर निकल रहा है, और ये बहुत अच्छी तरह से इसका फ्यूल है जो इग्नाइट हो रहा है, दिखाई दे रहा है कैमरामैन। तो इस तरह का इसका वर्क होता है। अब इस चीज को हम रात भर तो ऐसे लेके खड़े नहीं हो सकते कि भाई इस तरह से, तो इसके लिए एक छोटा सा सिस्टम तैयार करना है, उसको तैयार करते हैं, उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से। तो दोस्तों इसके लिए हमें एक बहुत ही पतली मेटल शीट चाहिए जो कि है एल्युमिनियम फॉइल, और एल्युमिनियम फॉइल को इस तरह से कर लेंगे कुछ, और इसको लपेटना है इसके ऊपर इस तरह से। सिंपल सा मैकेनिज्म है, कोई भी तैयार कर सकता है, और इसमें इसके पीछे की जो साइंस है उसके बारे में बाद में बात करेंगे, लास्ट में बात करने के लिए भी तो कुछ चाहिए। तो इस वजह से इसको इस तरह से लगा दिया, और लगाने के बाद यहाँ पे हमारा जो मैकेनिज्म है वो तैयार हो गया है। और थोड़ा सा इसको ऊपर करके टाइट कर देता हूं ताकि जो ये रबड़ है नीचे ये प्लास्टिक से अलग रखना हमें, इस तरह से कुछ इसको कर लेना है, और यहां पर और इसको थोड़ा सा टाइट कर लेता हूं मैं। और ये करने के बाद अब इसको लगानी है यहाँ पे मोमबत्ती। तो दोस्तों ये हमारा पूरा के पूरा सेटअप तैयार है, एक बार कैमरामैन को बोलूंगा नीचे करके अच्छी तरह से दिखा दे। ये इस तरह का सेटअप हमें बनाना है, और उसके बाद जो मोमबत्ती है उसके अंदर लगा देनी है आग। अब यहां से इसमें होगा क्या कि जैसे ही मोमबत्ती की लौ इसको गर्म करेगी और मेटल के थ्रू हीट इजिली ट्रांसफर हो जाती है, तो यहां से हीट ट्रांसफर होगी इसकी तरफ, और हीट ट्रांसफर होने के कारण ये होगी गर्म, और गर्म होने के बाद जो इसकी दवाई है इसके अंदर जो लिक्विड होता है जो कि मॉस्किटोज को भगाने के लिए या मारने के लिए काम आता है, वो यहाँ से रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे इसको इस तरह से रख के, और हम इसको घटा बढ़ा भी सकते हैं ऐसे, अगर इधर करेंगे तो ये धीरे धीरे वर्क करेगा, और उधर साइड में करेंगे तो ये जल्दी जल्दी वर्क करेगा। अब आप लोगों को शायद कैमरे में नहीं दिखाई दे रहा हो, लेकिन यहाँ पे महक भी आ रही है इस चीज की, और धुआं भी अच्छी तरह से दिखाई दे रहा है हम लोगों को। और ये मोमबत्ती की मदद से, आप लोग बोलोगे कि भाई मोमबत्ती तो रात भर में जल्दी से खत्म हो जाएगी, एक डेढ़ घंटे के अंदर खत्म हो जाएगी, तो उसके लिए भी सॉल्यूशन है। उसके लिए आप लोग एक तेल का दिया, यानी कि एक छोटा वाला दिया जो होता है, दीपक होता है जैसा दिवाली पे जलाते हैं घरों में, ऐसा बना सकते हो, उसमें जब तक तेल रहेगा वो चलता रहेगा और आपके मच्छरों को वहां से भगाता रहेगा। और यहाँ पे आपको शायद थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा हो कैमरे में धुआं, और कुछ लोग बोलेंगे कि ये मोमबत्ती का धुआं है, आप लोग विश्वास करना, अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो आप लोग घर पे इसको ट्राई कर सकते हो, क्योंकि ये मशीन सभी के घर में होती है, और एल्युमिनियम फॉइल भी सभी के घर में होती है। और रही एक बात मोमबत्ती की, तो मोमबत्ती 2-3 रुपए की आ जाती है, 5 रुपए की आ जाती है, तो वहां से आप लोग इसको ट्राई करके देख सकते हो। यहाँ पे ये अच्छी तरह से सक्सेस है और बहुत ही अच्छी तरह से वर्क कर रहा है। इसका जो ऊपर का आपको सिस्टम दिखाई दे रहा है, यहाँ पे इधर से भी धुआं इसका निकल रहा है, और एक बार अगर आपको यहाँ पे जूम करके दिखाया जाए तो इसकी जो नीचे वाली लिक्विड है, ये दवाई है, ये भी यहाँ पे आ रही है इसके ऊपर, और ये काफी गर्म है दोस्तों, इससे हाथ नहीं लगाया जा रहा। तो दोस्तों ये था आज का जुगाड़ जो कि आपको बिजली के बिना भी मच्छरों से राहत दिला सकता है, थोड़ी सी कोशिश थी। और इसके पीछे की जो साइंस है उसके बारे में बातें करते हैं। इसके पीछे की साइंस क्या थी, यहाँ पे लगा हुआ है मेटल, और जैसे मेटल को यहाँ से गर्म किया जाता है तो हीट ट्रांसफर होती है इसके जरिए,
और ये जो रॉड इसमें लगी हुई है, ये एक जो रॉड है ये इसलिए लगी हुई है ताकि यहाँ से लिक्विड को, जैसे एक बाती होती है ना दिए के अंदर, उस तरह से ये काम करती है। यहाँ से लिक्विड को लेती है और यहाँ से गर्म होने के बाद उसको ऊपर उड़ा देती है, यानी कि ऑटोमेटिक जो साइफन इफेक्ट है वो यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। तो ये था आज का एक्सपेरिमेंट, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी दोस्तों आप लोग ऐसा कुछ भी कहीं पर ट्राई ना करें, क्योंकि आग भी है इसमें, और जो ये होता है इस पर स्पष्ट लिखा हुआ, आप लोगों को दिखा दूं, यहाँ पे जहर लिखा हुआ है, ये पॉइजन का निशान है, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। तो इन सभी चीजों के साथ आप लोग डील ना करें, ये काफी खतरनाक हो सकता है। बाकी दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।